नमस्कार, बैंकर सेंकस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि 45 डेज में IBPS क्लर्क प्रिलिमिनरी को आसानी से क्रैक किया जा सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जाम के हिसाब से। इस साल IBPS क्लर्क का प्रिलिमिनरी एग्जाम 2nd, 3rd, 9th और 10th ऑफ दिसंबर को कंडक्ट कराएगा, जिसका रिजल्ट दिसंबर मंथ में ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वो बच्चे जो प्री में क्वालिफाई हो जाएंगे वो मेंस के लिए 21st जनवरी 2018 को अपियर होंगे और फाइनल अलॉटमेंट आपको अप्रैल 2018 तक कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम प्री की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। प्री में आपसे 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। यानी प्री में आपसे कुल मिला के 100 सवाल पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, और आपके पास टोटल कंपोजिट टाइम होता है 60 मिनट्स 1 आवर। अब क्योंकि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, इसीलिए प्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका स्टैंडर्ड काफ़ी लो होता है। तो अब बात करते हैं वैकेंसीज की। क्योंकि IBPS क्लर्क के मिनिमम रिक्वायरमेंट में आप जिस स्टेट से अपियर हो रहे हैं आपको उस स्टेट का रीजनल टंग आना चाहिए, नेटिव लैंग्वेज आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है। तो इस टेबल में आप पिछले 4 सालों में कितनी कितनी वैकेंसीज किस किस स्टेट्स की निकली है वो आप देख सकते हैं। जैसा कि आप कंपेयर कर सकते हैं तो 2017-18 में एज कम्पेयर टू हर एक साल सबसे कम वैकेंसी निकली है। 2017-18 में सिर्फ 3 स्टेट्स में वैकेंसी ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी तमिलनाडु में 1277 वैकेंसीज निकली हैं। अब अगर हम पिछले साल के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो 2016-17 के कंपेयर में इस साल 59% कम वैकेंसीज आई हैं। 2015-16 के कंपेयर में 67% और 2014-15 के कंपेयर में इस साल 77% कम वैकेंसीज आई हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बात करें तो IBPS क्लर्क में प्रीलिम्स 2015 ऑनवर्ड स्टार्ट किया गया था। तो जो 2015 में था, सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश सेक्शन का जनरल के लिए 8.75, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 7.25 और रीजनिंग का 7 गया था। 2016 में इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ थोड़ा सा घटा था, 7.75 फॉर जनरल कैटेगरी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए यह बढ़ गया था 10.75 और रीजनिंग के लिए भी यह काफ़ी हाई हो गया था 10.25। तो ये आपका सेक्शनल कट ऑफ थे। यानी इस एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए आपको हर एक सेक्शन में इतने इतने मार्क्स तो लेकर आने ही हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप 2016 में इंग्लिश में 7.75, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 10.75 और रीजनिंग में 10.25, यानी टोटल मिला के 28.75 मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यह सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल के बाद आपका ओवरऑल कट ऑफ होता है जो टोटल 100 में होता है। अब क्योंकि वैकेंसीज स्टेट वाइज थी तो ओवरऑल कट ऑफ भी स्टेट वाइज होता है। तो इस टेबल में आप 2 साल का 2015 और 2016 का ओवरऑल कट ऑफ देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 2016 का ओवरऑल कट ऑफ काफ़ी हाई गया था एज़ कम्पेयर टू 2015। इसके पीछे 2 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी कम हो गई थी, और दूसरा रीज़न, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ गए थे। इस साल वैकेंसीज और कम हुई है, IBPS क्लर्क में नहीं हर एक जगह वैकेंसीज कम हुई है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इंक्रीज ही हुए हैं। तो चांसेस हैं इस साल का कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाएगा। इस साल का कट ऑफ हो सकता है पिछले साल से भी आई जाए। आइए अब देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तैयारी करनी चाहिए ताकि इस हाई कट ऑफ को हम काफी आसानी से अचीव कर सकें। तो जहां तक रीजनिंग एबिलिटी की बात है तो पिछले 3 पेपर्स के बेसिस पे आप यह क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये टॉपिक्स पजल्स, नंबर अल्टरेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी एंड ब्लड रिलेशन। अगर आप इन 6 टॉपिक्स की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप मोर देन 90% क्वेश्चन इस सेक्शन से काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह उठता है कि इन टॉपिक्स की तैयारी कहाँ से की जाए। कौन सी एक ऐसी वेबसाइट है या कौन सा एक ऐसा बुक है या कौन सा ऐसा मटेरियल है जहाँ से हम पढ़ें तो सिर्फ उतना ही पढ़ने से हमारे ये सारे टॉपिक्स अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसलिए हमने ऑनलाइन चैनल, ऑनलाइन वीडियोस स्टार्ट किए हैं हर एक टॉपिक्स के करस्पॉन्डिंग।
ऑनलाइन वीडियोस के अलग अलग ड्यूरेशन हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन के 140 मिनट्स, लीनियर अरेंजमेंट 203 मिनट्स, सर्कुलर अरेंजमेंट 272 मिनट्स। टोटल वीडियो का ड्यूरेशन, जो लेक्चर का ड्यूरेशन है जिसमें आपको समझाया जाएगा टॉपिक्स के बारे में, 20 आवर्स के करीब का ड्यूरेशन है। इसके अलावा जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसी वक्त आपको उस टॉपिक के करस्पॉन्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में भी उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन के लिए आपको 155 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, लीनियर अरेंजमेंट के लिए 238 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड सो ऑन। रीजनिंग सेक्शन में आपको अबाउट 1618 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। अब अगर आप यह इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यह 100% गारंटी दिया जा सकता है कि आप IBPS क्लर्क प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अब एग्जाम में क्योंकि 60 मिनट में आपको 100 मार्क्स अटेम्प्ट लेना है, तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पोर्टेंस नहीं है, आपकी स्पीड भी इम्पोर्टेंस है। तो मिनिमम आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे दर्शाया गया है। इसका मतलब ब्लड रिलेशन के अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो आप मैक्सिमम 1 मिनट 30 सेकंड उसे दे सकते हैं। ट्राई कीजिए उसको उससे कम टाइम देने का। वैसे ही सर्कुलर अरेंजमेंट के जो 5 मार्क्स होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी जाता है, तो उसे ट्राई कीजिए 5 मिनट्स के विद इन बनाने के लिए। तो अगर आप इस एक्सपेक्टेड स्पीड के हिसाब से तैयारी करते हैं तो इस 30 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली आपको 20 मिनट्स का टाइम लगेगा। अब अगले 45 डेज में किस तरीके से, किस दिन किस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, किस टॉपिक का वीडियो दिया जाएगा, वो आपका लेक्चर कॉलम के अंदर है। मतलब फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे आपको ब्लड रिलेशन के वीडियो दिए जाएंगे और उनके क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के। देन 7th, 9th, 11th, 13th डे लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, एंड सो ऑन। अब तैयारी करनी तो जरूरी है, जितनी जरूरी तैयारी करनी होती है उससे ज़्यादा जरूरी उसका रिविजन करना होता है। तो करस्पॉन्डिंग किस किस डेज आपको किस किस का रिविजन दिया है, रिविजन करना है, वो रिविजन कॉलम में गिवेन है। इसके अलावा रीजनिंग सेक्शन को मास्टर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट और पजल। इसीलिए 7th डे ऑनवर्ड्स आपको हर दिन एक पैराग्राफ लीनियर अरेंजमेंट का और 15th डे ऑनवर्ड्स आपको हर दिन एक पैराग्राफ सर्कुलर अरेंजमेंट का प्रोवाइड किया जाएगा सॉल्व करने के लिए। एंड 23rd डे ऑनवर्ड आपको हर दिन 2 पजल दिए जाएंगे, यानी कि 7th से 45th डे तक, 15th से 45th डे तक एंड 23rd से 45th डे तक हर दिन आप एक पैराग्राफ लीनियर के, एक पैराग्राफ सर्कुलर के और 2 पजल के पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है सिलेक्टेड कैंडिडेट और वो कैंडिडेट जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो यही सर्कुलर अरेंजमेंट और पजल का होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें इतनी प्रैक्टिस कर लें कि एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो हम उसे काफ़ी आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। इसके अलावा जब जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो उस टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट भी होगा। सेक्शनल टेस्ट के डेज होंगे 6th डेज, 14th डेज, 22nd, 30th, 34th एंड 40th, और लास्ट के 3 डेज 43rd, 44th और 45th सिर्फ टेस्ट के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसी तरीके से अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे पिछले 3 पेपर्स के बेसिस पे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, एवरेज परसेंटेज एंड रेशियो। न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन की तैयारी के लिए सबसे पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैथ्स का होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसी लिए आपको नंबर सिस्टम एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बेसिक्स मैथमेटिकल टर्म्स, LCM, HCF, SOTS, इनके बारे में बताया जाएगा, जिसका एप्लीकेशन आगे कई बार किया जाता है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन कवर किया जाएगा जिसमें आपको 211 मिनट का वीडियो दिया जाएगा और 322 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको हर दिन एक टेबल दिया जाएगा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए। आपको कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स भी बताए जाएंगे जिससे आप इन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को काफ़ी तेजी से कर सकते हैं। आपको हर दिन एक नया टेबल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि एट द एंड ऑफ 30-40 डेज आप खुद आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट देख सकें और वो इम्प्रूवमेंट आप डेटा इंटरप्रिटेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, एक्यूरेसी तो इम्पॉर्टेंट है, साथ में स्पीड भी इम्पॉर्टेंट है IBPS क्लर्क प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करने के लिए।
टोटल लेक्चर का ड्यूरेशन 20 आवर्स का होगा और टोटल क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए 1833 रहेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप इन पांच टॉपिक्स को कवर करते हैं तो आप 100% हर टॉपिक को अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो टॉपिक्स? वो टॉपिक्स हैं पैरा जंबल, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, एरर एंड क्लोज टेस्ट। तो जैसा कि स्पाई चार्ट से आप देख सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 19% कंसिस्ट करता है, पैरा जंबल 11% का वेटेज, क्लोज टेस्ट 22% का, एरर करेक्शन 22% का एंड वोकैबुलरी 26% का। इसमें से जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैरा जंबल होते हैं ये 30% एनालिटिकल आपके एनालिसिस के पावर पर डिपेंड करता है, जो एरर करेक्शन का सेक्शन है वो आपके ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है अबाउट 22%, और बाकी जो 48% है वो आपके वोकैब पे डिपेंड करता है, वोकैबुलरी और क्लोज टेस्ट का सेक्शन। तो इसीलिए आपको जो मेजर पार्ट है वोकैबुलरी उसकी भी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपको 333 मोस्ट फ्रीक्वेंट जीआरई वर्ड्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो वर्ड्स, उन वर्ड्स को याद करने के लिए पिक्चर और कुछ निमोनिक्स भी भेजे जाएंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको उन 333 वर्ड्स याद हो जाए और आप इन 48% इंग्लिश के क्वेश्चंस को काफी आसानी से अटेम्प्ट ले सकें। तो अगर आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8984565472 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल।